वेलकम टू मोती महल। मोती महल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मेन्यू यहाँ का, मोती महल का। टुडे स्पेशल में आप देखिए, मोती महल का ये मिरर बहुत ही प्यारा है। अक्सर लड़कियाँ यहाँ पर आकर के पिक क्लिक करती हैं और काफी प्यारा आता है। और हम लोग फिर हाजिर है अपने शहर बेतिया का ब्लॉग लेकर के, मोती महल डीलर। हाँ जी, इससे पहले मैंने ब्लॉग बनाया था रूफ टॉप का, जिसपे आप सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और उसका व्यूज जो है 50K प्लस है, 50,000 से ज्यादा व्यूज है। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मोती महल को भी एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोग हाजिर है मोती। और सबसे जरूरी होता है एड्रेस और लोकेशन। तो एड्रेस लोकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सुप्रिया रोड SDFC बैंक के सामने आपको देखने को मिलेगा, रेमंड शोरूम के पास 4th फ्लोर पे, तो आप लोग आ सकते हैं। और अगर मोती महल के बारे में बताऊं तो इंडिया में लगभग इसके 250 प्लस आउटलेट हैं और इसका पहला आउटलेट पाकिस्तान के पेशावर में ओपन हुआ था। इंटरनेशनल कंट्रीज में भी आपको मोती महल के आउटलेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। और जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का एड्रेस भी आपको दे दूंगा, आप वहां से आ सकते हो। और वीडियो के साथ बने रहो, अंदर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, अंदर की दिखाऊंगा, इंटीरियर दिखाऊंगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बेतिया में ये सब चीज खुलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। टाइमिंग के बाद मैं अगर बता दूं तो टाइमिंग आप इधर देखोगे आफ्टरनून 12 बजे से रात के 10:45 तक, 11 बजे तक टाइम है, आप लोग आ सकते हो। और डिशेज के बाद अगर मैं करूँ खाने का, यहाँ पे चाइनीज इंडियन के अलावा मुगलाई देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं मोती महल और बगल में जो है रेमंड का शोरूम है। जस्ट आपको गेट दिखेगा, देखिए 1st फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर पे अपना मोती महल है। तो यहाँ पे लिफ्ट लगाए ले रही आप, ये देखिए क्या है, दाल मखनी किला दे, लिफ्ट है, लिफ्ट को बुलाते हैं हम लोग और चलते हैं 4th फ्लोर पे। और ये भी बहुत ही बढ़िया है, लिखा हुआ है और यहाँ पर आकर के फोटो आप लोग क्लिक करा सकते हैं। अब आप बताइए फोटो कैसा आ रहा है, बढ़िया फोटो आ रहा है। चले चलते हैं 4th फ्लोर पे। तो हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं और चल रहे हैं 4th फ्लोर पे मोती महल डीलक्स। और ये बहुत ही अच्छा चीज है, पहले बेतिया वाले सोचते थे फैमिली को लेके कहाँ जाए कहाँ जाए, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत प्लेस है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो मोती महल अपने फैमिली को लेकर के, एक स्टैंडर्ड जगह है जहां पे आप आकर के अच्छा फील करोगे और अपने बच्चों को भी लाओगे तो अच्छा लगेगा। बेतिया में पहले ये सब चीज नहीं था तो लोग सोचता था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, लेकिन अब ये चीज इस लेवल में बेतिया में खुल रहा है। हम लोग आ चुके हैं, चलिए अंदर आप लोगों को लेकर चलते हैं। वाओ, ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और आते के साथ आपको एक अलग ही अंदर से सुकून मिलेगा। और इंटीरियर आप देख रहे हैं, इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है ये आप देख रहे हैं। और हाइजीन भी बहुत ही ज्यादा इस रेस्टोरेंट को रखा गया है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर कलाम जी दिख रहे हैं और यहाँ पर इंदिरा गांधी है। और ये जो है फर्स्ट जो है मोती महल पेशावर में बना था, पाकिस्तान में तंदूर फर्स्ट, हाँ तंदूर एट मोती महल। तो ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को रखा गया, और बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बच्चन साहब भी इस जगह पे, आज दिल्ली में है ना, तो वहाँ पे जाते हैं खाने के लिए। और मैं भी दिल्ली जब भी जाता हूँ
मोती महल में जरूर जाता हूँ खाने के लिए, क्योंकि वहाँ का टेस्ट जो होता है लाजवाब होता है, और यहाँ का मुगलई तो और भी फेमस है। तो दिल्ली जब भी जाना हुआ तो मैं मोती महल जरूर जाता हूँ, और ये खुशी की बात है हमारे बेतिया में ये चीज ओपन हुआ है, बेतिया में भी अब अवेलेबल है, तो अब हमेशा मैं आऊंगा जाऊंगा और खाऊंगा। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर देखिए इंटीरियर जो है बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख रहे हैं चार फैमिली वाले हैं तो आराम से यहाँ पर आ खा सकते हैं। इधर भी इस तरफ भी अगर दिखाएंगे तो सोफा लगा हुआ है, और यहाँ भी आप लोग बैठ सकते हो और इंजॉय कर सकते हो फूड का एम्बियंस का। और इधर आइए और ज्यादा बड़ा फैमिली है तो ये है, पंद्रह चौदह आदमी तक है तो इसमें आप लोग आराम से आकर के खा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पेंटिंग बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा है, तो यहाँ पर आकर के आप फोटो क्लिक करा सकते हो। और यहाँ का वॉशरूम मैं आकर दिखाऊंगा आपको, वहां पर एक मिरर लगा हुआ है, वहां पर अक्सर लड़कियां लोग जाकर के ऐसे करके सेल्फी लेती है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए इधर झूमर भी बहुत ही प्यारा प्यारा लगा हुआ है, ये चीज है। मैं लाइव किचन भी आप लोग को दिखाऊंगा, और ये चीज आप देख रहे हैं हाइजीन जो है ये बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। टुडे स्पेशल में आप देखिएगा पनीर इन पीनट बटर 299 का, मुर्ग रोजाली कबाब है 399 का, कुंभ नवाबी 299 का है, और मुर्ग मुमताज है 399 का। तो ये आज का जो स्पेशल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया मुगलई डिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, तो ये जो मुर्ग मुमताज है ये भी शायद मुगल का आइटम है। अभी चलेंगे बात करेंगे, मेनू भी आपको दिखाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना डिश इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं आपको मेनू लगातार पढ़ूंगा तो आधा घंटा जाएगा। और इधर आइए, ये लाइव किचन है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइव किचन है, आराम से आप लोग कुछ ऑर्डर करते हो और देखने का दिल करता है तो आप लोग यहाँ पर आकर के देख भी सकते हो कैसे आपके डिश को तैयार किया जा रहा है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मेन्यू यहाँ का मोती महल का, नजदीक से आप लोग दिखाएंगे। ये मॉकटेल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ मिल्क शेक भी है, आपको जलजीरा भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। और यहाँ पे देखोगे हॉट रिफ्रेशिंग सूप है, तो रिफ्रेश हो जाओगे आप पी करके। ये आप है सूप में भी आपको बहुत, और यहाँ देखिएगा MMDS तंदूरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिश के बहुत सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगर आपको दिखाऊंगा तो MMDS स्पेशलिटी मेन कोर्स में आपको बटर चिकन मिल जाएगा, रारा चिकन है, मुर्ग मखना कोरमा है, मुर्ग काली मिर्च चिकन टिक्का बटर मसाला है, मुर्ग बेमिसाल हांडी चिकन है, जो हांडी चिकन चंपारण का फेमस है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कढ़ाई मुर्ग लजीज है, मीठी मुर्ग है, तावा चिकन है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा तो फिश के भी आइटम है, पनीर के आइटम है, वेजिटेरियन में भी बहुत सारे आपको डिश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं लगातार पढ़ूंगा तो 10 मिनट लग जाएगा पढ़ने को, तो आप ये ऐसे आ करके यहाँ ट्राई कर सकते हो। लगभग आप जो जो सोच रहे हो ना, बिरयानी सोच रहे हो या फिर जो भी चीज़ सोच रहे हो, फास्ट फूड सोच रहे हो, मोमोज वगैरह चाउमीन, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग आके आराम से खा सकते हो। क्योंकि अगर मैं लगातार एक एक पढ़ूंगा तो 10 से 15 मिनट जाएगा फिर भी मेनू खत्म नहीं हो पाएगा, तो आप लोग जरूर यहाँ पर विजिट करो। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है नूडल्स और चिकन टिक्का, तो वो आएगा तो मैं ट्राई करूंगा फिर रिव्यू दूंगा। तो चलिए मैं बैठता हूँ और ऑर्डर का वेट करता हूँ। तो ये हम लोग का चिकन टिक्का आ चुका है और नूडल्स भाई के हाथ में, ये नूडल्स भी आप सर्व कर दीजिए। चिकन टिक्का हम लोग ट्राई कर रहे हैं और आप लोगों को टेस्ट बताते हैं। टेस्ट काफी बढ़िया है और अगर इसके जायके के बारे में मैं बताऊं, चिकन टिक्का और रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग है यहाँ का जो भी डिश है, क्योंकि मैं दिल्ली जब भी जाता हूँ तो मोती महल डिलक्स में ज़रूर जाता हूँ। और टेस्ट के बारे में बताऊँ तो लगभग जितने भी आउटलेट हैं सारे के टेस्ट लगभग सेम ही होते हैं, तो बिल्कुल वहाँ के आउटलेट की तरह यहाँ का भी लग रहा है। तुम ये नूडल्स टेस्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है बताओ हमारे
फैमिली को। मैं नूडल्स भी आप लोगों को टेस्ट करके बता रहा हूँ, नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। देखिए बिल्कुल स्मूथ है, ज़्यादा वाइली नहीं है। लाजवाब। चिकन टिक्का का टेस्ट कैसा लगा? अभी चिकन टिक्का आपने ट्राई किया है? एक नंबर है भाई, बेतिया में नया खुला है, प्राउड की बात है। नहीं नहीं, बेतिया में नया खुला है, लेकिन ये जो है, ये जो इसका आउटलेट है पूरे इंडिया में लगभग 250 प्लस जगह पे है। दिल्ली में 6-7 जगह है, पटना में 2-3 जगह है। अभी इसका आउटलेट मुजफ्फरपुर में ओपन नहीं हुआ है, मोतिहारी में नहीं है, लेकिन हमारे चंपारण के बेतिया में ये ओपन हो गया, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो जो भी फूड लवर है, जो एक अच्छे इंटीरियर के साथ अपने फैमिली को अच्छा फूड देना चाहते हैं, हाइजीन फूड देना चाहते हैं, स्वादिष्ट फूड देना चाहते हैं, जायका भरा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मोती महल में खा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मौका दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि जो मोती महल में गए हैं इससे पहले कहीं भी और जगह के आउटलेट में, तो उनको पता होगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। क्योंकि मैं दिल्ली में जाता हूँ तो बराबर खाता हूँ, पटना में हुआ तो टेस्ट हर आउटलेट का लगभग सेम रहता है, और इसका जो जायका है उसके बारे में जितनी भी तारीफ करूं बहुत ही कम है। यहाँ पे आपको मैंने बताया ना, मेनू मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आपको स्टार्टर के साथ साथ मेन कोर्स में बहुत सारे आइटम, फिश के बहुत सारे आइटम हैं, आपको बिरयानी में भी बहुत सारे आइटम मिलेंगे, चिकन बिरयानी भी होगा, मटन बिरयानी भी होगा, और चाइनीज के हैं, इंडियंस के आइटम हैं, और मुगलई है। तो आप जरूर एक बार आओ, विजिट करो यहाँ पर बेतिया से हो तो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और खाने के बाद मैं आपको उस जगह पर लेके चलूंगा जो लड़कियों का फेवरेट है। वॉशरूम के पास एक मिरर लगा हुआ है, वहाँ पर फोटो बहुत ही खूबसूरत आती है, वहाँ पर मैं वीडियो को खत्म करूँगा। अभी मैं खाने का एंजॉय करता हूँ, फूड का। वाह, तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे व्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए। लव यू।